देवाधिदेव महादेव का सर्वश्रेष्ठ और प्रिय आभूषण यानी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा रुद्राक्ष श्रेष्ठ होता है, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, रुद्राक्ष की पहचान क्या है, उसकी कीमत क्या है, कहाँ से लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, इन सभी प्रश्नों पर हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, इस चर्चा को हम लोग शुरू करें इससे पहले एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा। यदि आप पहली बार अध्यात्म ज्योतिष पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी साथ में दबा लें, ताकि समय समय पर आपको हमारे चैनल की जो अपडेट्स हैं वो आपको प्राप्त होती रहेगी। अध्यात्म है, ज्योतिष है, रत्न रुद्राक्ष है, वास्तु है, ये तमाम प्रकार के कार्यक्रम आपको हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। देखिए, जब रुद्राक्ष की बात आती है तो आप सब जानते हैं कि ये देवादेव महादेव के चक्षु से उत्पन्न अश्रुबिंद के द्वारा इनका जन्म हुआ है, इसलिए रुद्र और अक्ष शब्द मिलाकर रुद्राक्ष बना है। रुद्राक्ष भगवान शिव का एक प्रिय आभूषण है, भगवान इसको सदैव धारण करते हैं और हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि स्त्रियां पहन सकती नहीं, या बच्चे, इसको बच्चे पहन सकते हैं, स्त्रियां पहन सकते हैं, बूढ़े पहन सकते हैं, यानी कोई भी पहन सकता है। वैसे तो सामान्यतः अगर बात की जाए तो कोई भी रुद्राक्ष पहना जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कौन सा मुखी पहने, लेकिन हाँ, ये बात भी निश्चित है कि अगर हम किसी खास पर्पज से पहन रहे हैं तो तब हमको किसी खास रुद्राक्ष का चयन करना चाहिए। या राशि के हिसाब से पहन रहे हो, या दशाओं के हिसाब से पहन रहे हो, या अपनी कोई कार्य सिद्धि के लिए हम पहन रहे हैं, ऐसे में हमें एक निश्चित मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं रुद्राक्ष की पहचान की। देखिए, पहचान की अगर बात करें तो वैसे तो सामान्यतः पारखी उसको पहचान सकता है। चोर, आपने देखा होगा कि नकली आभूषण को हाथ नहीं लगाता है और असली को चुरा लेता है, क्यों? उसे दूर से इसकी परख है। ऐसे इसकी पारखी की बात की जाए तो कि संत, महापुरुष, ब्राह्मण, वो इनकी पहचान रखते हैं, तो आप उनके सानिध्य में रहकर इन चीजों को परचेस कर सकते हैं। कहाँ से खरीदें? पूरे भारतवर्ष से कहीं भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी पहचान आपको है तो आप उसे ले सकते हैं। खासकर किसी भी तीर्थ क्षेत्रों में रुद्राक्ष खूब मिलता है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि जहां पर इस चीज की डिमांड ज्यादा होती है वहां पर डुप्लीकेट की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बड़े शोरूम के अंदर जाएंगे तो वहां की हम चर्चा ही नहीं करेंगे क्या हो सकता है। कुल मिलाकर हम इस पर अगर बात करें पहचान के लिए, तो सबसे पहले हमारे हाथ में जब रुद्राक्ष आए तो हम इसको देखें कि क्या इसमें नेचुरल के कुछ गुण हैं या नहीं है। प्राकृतिक रुद्राक्ष कभी भी एक आकार का, कभी भी कोई उसमें इस प्रकार की चीज, कोई सफाई वो हमें नजर नहीं आएगी। उसमें कुछ रेशे नजर आएंगे, कहीं से कुछ उसके रेखाएं कटी फटी होंगी, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, इसके पूरे स्पष्ट मुख दिखना चाहिए। जबकि मशीन के द्वारा निर्मित किया हुआ या किसी चीज से, किसी डाई में बनाया हुआ, वो प्रॉपर एक साइज का होगा। इसलिए रुद्राक्ष कभी भी एक साइज का नहीं होता है, कभी एक स्वरूप का नहीं होता है, वो प्राकृतिक है, इसलिए उसका अपना एक स्वरूप हो सकता है। जल में डुबाएंगे तो डूब जाता है, लेकिन कई बार यह भी सूत्र काम नहीं करता है। कारण क्या होता है कि अगर कच्चा रुद्राक्ष से कीड़े ने खा दिया तो भी वो जल में तैरने लगता है, होता असली है। जबकि अब दूसरी बात करें कि इसको लैब टेस्टेड, अब लैब टेस्टेड के नाम पे आजकल होता क्या है कि वो 5-10 रुपए का जो कार्ड परमानेंट छपा के रखा हुआ है वही सब रुद्राक्ष के साथ दे दिया जाता है और हम इसको इसका सर्टिफिकेट मान लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप खुद इसको किसी लेबोरेटरी में, अच्छी लैब में आप चेक कराएं तो उसका प्रमाण हो सकता है। और मुझे लगता है जो 400 के रुद्राक्ष के लिए 1000-2000 रुपए खर्च कोई लैब में नहीं करता है। हाँ, कोई बहुत महंगा रुद्राक्ष है तो उसको निश्चित रूप से आपको लैब में टेस्ट करवा लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। मैं एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, जिसमें मैं एक मुखी और दो मुखी रुद्राक्ष की आपको ऑलरेडी पहचान बता चुका हूं। आज हम 3 मुखी रुद्राक्ष की बात करेंगे। देखिए, 3 मुखी रुद्राक्ष जब हम लेते हैं तो इसको त्रिदेव का स्वरूप माना जाता है, त्रिगुणात्म शक्ति का स्वरूप इसको माना जाता है। और रुद्राक्ष में स्पेशली हम जब देखते हैं तो देखिए, 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि तत्व प्रधान होता है। सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह, दो अग्नि कारक, अग्नि तत्व ग्रह जो हैं उनकी प्रधान, उसकी जो है प्रतिनिधित्वता 3 मुखी रुद्राक्ष करता है। खासकर विद्यार्थियों के लिए माने, पढ़ने वाले बच्चों के लिए माने तो यह रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है, जो कि तेज, शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, इन सभी चीजों में खासकर आपको लाभ देता है। राजनीतिक में जो लोग हैं वह भी इसको पहन सकते हैं, खासकर जो प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, PCS की तैयारी कर रहे हैं और इस प्रकार की कोई सेनाओं में जाने के लिए प्रयास करें तो उनको यह रुद्राक्ष पहनना चाहिए, यह बहुत अच्छा माना जाता है। दशा के लिए, अगर आपकी मंगल की दशा है या क्रूर ग्रहों की दशा चल रही है तो भी आप ऐसी दशाओं में इसको धारण कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का सुख लेना चाहते हैं,
तो आप इसको पहन सकते हैं। तो कुल मिलाकर कई सारी चीजें हैं जब हमें तीन मुखी रुद्राक्ष धारण हम कर सकते हैं और इसके लाभ को लिया जा सकता है। बात इसकी प्रतिष्ठा मंत्र की रही तो ओम रम नमः, इस मंत्र से आप 108 बार इसको अभिमंत्रित करके अपने गले में किसी भी सोमवार के दिन या शुक्ल पक्ष के सोमवार को खासकर इसे धारण कर सकते हैं।